नमस्कार, मैं हूँ खुशी राणा, सागर डिजिटल से। और आज मैं यहाँ हूँ प्रणॉर्ट प्लेस में मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के बाहर। और हाल ही में ही एक न्यूज चैनल ने खुलासा किया है कि कुछ विदेशी ताकतें मोदी को सरकार बनाने से 2024 में रोकना चाहती हैं। तो आइए इस पर जनता की राय लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? मोदी ही आएंगे, मोदी को कोई भी विदेशी ताकतें रोक नहीं सकती है। मोदी ही आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री हैं। और इस बात को आप इतने दावों से कैसे कह सकते हैं? मैम, दावा क्या, सब लोग किसी भी से जानकारी ले लो और ये तो विदेशी ताकतें आती रहती हैं, जाती रहेंगी, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे माननीय मोदी जी ही होंगे। तो ऐसा मतलब विदेशी ताकतें ही क्यों ऐसे कर रही है? आपको क्या लगता है कि उनको किसी बात का डर है? क्या वो मोदी जी की इमेज खराब करना चाहती है? नहीं, मोदी जी डिबेट कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मोदी जी के साथ में हम भी है, पूरा देश भी है। और ये तो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए होती है, जो विदेशी ताकत के नाम 125 करोड़ जनसंख्या है, क्या दिक्कत है? विदेशी ताकतें दो चार आएंगी, मोदी साथ तो 125 करोड़ लोग कहां। और हमारे देश के अंदर ही ऐसे गठन हो रहे हैं, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। तो ये तो मैम राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने दांव खेलती है, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, हमारे भावी प्रधानमंत्री ही मोदी जी है। और जब चुनाव आते हैं, चुनाव से एक दो साल पहले ये इस तरह की चर्चा होती रहती है हमारे देश के अंदर। जी, ऐसा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा सकते हैं। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं लद्दाख से, लद्दाख का रहने वाला हूँ, हमारा जो लद्दाख जो है वो पूरा दुनिया से कटअप रहता था, लेकिन जो जोजिला जो खेते लद्दाख को बाकी कंट्री से जानता है, आज तक 70 साल में सिर्फ लोगों ने वादा किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस चीज को करके आज 2024 तक, अभी कल ही हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारा रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 2024 में वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एक तो टंडेल भी हो रहा है, ऊपर से लद्दाख के लिए 12 महीना कनेक्टिविटी होगा। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जब नरेंद्र मोदी का जो हमारे प्रधानमंत्री का लद्दाख जैसे एक छोटे से जगह तक का उस वहां तक के लोगों का ख्याल रखता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री और 10 या 50 साल अभी रहना चाहिए, ताकि दूर तक, आप दिल्ली में रहते हैं इतना विकास का पता नहीं चलता, लेकिन हम दूर दराज इलाके में रहते हैं बॉर्डर, क्योंकि आपको पता है लद्दाख जो है कितना सेंसिटिव है, एक तरफ से चाइना बॉर्डर है, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पीएम मोदी की इमेज को खराब करने, क्योंकि हमारे ही देश में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी साजिश रचना, उस पर आपका क्या ख्याल है? देखो, हम तो बिल्कुल इस चीज को गलत मानते हैं। सही बात है, ये हमारे प्रधानमंत्री का इमेज खराब करने के लिए है, क्योंकि जब से हम जो है प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो चीज नहीं, तो मुझे, मैं दिल्ली में अभी आया हूँ, हम लद्दाख के रहने वाले हैं, तो जो लद्दाख में जो आज यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, अभी वहाँ पे इतना विकास हो रहा है लद्दाख के अंदर, हजारों करोड़ वहाँ पे फंड्स आ रहे हैं, तो ये सब झूठ है। हमारा प्रधानमंत्री 2024 के 2030 तक भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसा आपने देखा, अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि किसी के कुछ भी करने से विदेशी ताकतों का हमारे देश में कोई जोर नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे पीएम मोदी को हटाने का कुछ सोच भी सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये साफ कर देती है कि भारत की जनता का कितना भरोसा है उनके प्रधानमंत्री पे। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रही है। कैमरामैन कनिष्क के साथ मैं खुशी राणा, साउथ ब्लॉक डिजिटल से।